Hello, radiographers. I am also a radiographer myself, Amir Sayyed, and today we are going to see live CT scan of CT lower limb angiography. तो आज हम lower limb angiography का scan देखेंगे, जिसके लिए आप में से बहुत लोगों ने demand किया था, इस video के लिए request किया था. तो आज हम देखेंगे lower limb angiography का scan कैसे होता है, patient को position किस तरह से दिया जाता है, contrast कितना देना होता है और flow rate कितना देना होता है, इसी तरह से स्कैन में एफओवी कितना सेट करना होता है और कितने सीरीज में स्कैन किया जाता है, ये सारा कुछ आज हम डिटेल में देखेंगे. वो सब करने से पहले हमें पेशेंट को पोजीशन देना होगा, जिसके लिए हमें पहले गैंट्री रूम में चलना होगा और हम देखेंगे पेशेंट को पोजीशन किस तरह से देना है और उसके आगे बाकी सारा प्रोसीजर होगा. तो चलिए गैंट्री रूम में चलते हैं. सो रेडियोग्राफर्स, इस तरह से आपको पेशेंट को टेबल पे लिटाना है. पेशेंट को टेबल पे लिटाने के बाद में पेशेंट का पैर इस तरह से होना चाहिए, हील के साइड से गैप होना चाहिए और जो टो है ग्रेट टो ये जॉइंट होना चाहिए इस तरह से. हील के साइड से गैप होना चाहिए और टो ग्रेट टो इस तरह से जॉइंट होना चाहिए और पेशेंट का जो हाथ रहेगा आपका, पेशेंट का हाथ सर के पीछे रहेगा और आपको पोजीशन देने से पहले रेडियल बोन पे यहाँ पे आपको आईवी लगाना है यहाँ पे, या फिर आपको पाम के बैक साइड पे आपको मिलता है आईवी तो यहाँ पे आपको आईवी लगाना होगा. यहां से फिर इंजेक्टर आपको आगे की तरफ यहाँ पे रखना होगा, ना कि गैंट्री के पीछे. इस तरह से यहाँ पे आपको आईवी लगाना है. अगर यहाँ रेडियल बोन पे या फिर यहाँ नहीं मिलता आईवी तो आप यहाँ पे फोर आर्म पे लगा सकते हैं. यहाँ पे अगर आप लगाएंगे जॉइंट पे तो यहाँ पे फोल्ड होने की वजह से आपको दिक्कत आ सकती है. फोर आर्म पे आपको आईवी लगाना है या फिर रेडियल बोन पे आपको आईवी लगाना है. यहाँ पे आईवी लगाने के बाद इस तरह से पेशेंट को लिटाना है, पैर इस तरह से रहेगा और फिर टेबल अंदर की तरफ में मूव करना है इस तरह से. मैं आपको शो करता हूं, टेबल को इस तरह से अंदर की तरफ मूव करना है, लेजर ऑन करना है और जो फीट है इससे दो या तीन उंगली आगे यहां पे आपको अंदर वाला लेजर रखना होगा. आप देख सकते हैं अंदर वाला लेजर तीन उंगली आगे यहां पे है. यहां पे इस तरह से सेट करने के बाद में आपको जीरो सेट करना होगा, जीरो सेट करना होगा. इसी तरह से आपको पेशेंट को ये जो एंड है, टेबल का एंड है, इसके बाहर बहुत ज्यादा नहीं लेके जाना है ना तो इसके अंदर बहुत ज्यादा लेके आना है. बराबर इस एंड पे पेशेंट का पैर होना चाहिए तो उसके बाद ही यहां तक का इलेक क्रेस्ट तक का या हाफ एब्डोमेन तक का, पेल्विस तक का एरिया कवर हो पाएगा. अदरवाइज अगर आप बहुत ज्यादा अंदर लेते हैं या बहुत ज्यादा बाहर लिटाते हैं तो स्कैन के लिए प्रॉपर एनाटॉमिकल रीजन कवर नहीं हो पाएगा. इसी तरह से ये जो टेबल का एंड है, मीन्स ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे पेशेंट का हील होना चाहिए. तो ये है पोजीशन. बाकी का स्कैनिंग काम हम स्कैनिंग कंसोल से करेंगे. सो रेडियोग्राफर्स, सबसे पहले आपको इस तरह से एंट्री कर लेना है, उसके बाद में लोअर लिम्ब के रीजन पे लिम्ब पे क्लिक करके यहाँ से आपको प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना होगा, लोअर लिम्ब एंजियोग्राफी, और आपके पास में जो भी प्रोटोकॉल अवेलेबल होगा वो आपको सिलेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है. और ये सब कुछ करने से पहले आपको पेशेंट का आईवी लगाना है और इंस्ट्रक्शंस देना है कि कॉन्ट्रास्ट जाते टाइम पे वार्म लगता है बॉडी में और पोजीशन वगैरह आपको देके आना है. तो यहाँ पे जो एस लोकेशन है आपको मैक्सिमम रखना है, जितना आपसे हो पाता है आपका मशीन एक्सेप्ट करता है. तो एस मैं 1400 रख रहा हूँ. मशीन 1400 पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो मैं एस 1200 रखा हूं और दूसरा आपको एस 0 रखना है इस तरह से और कंफर्म करना है. रिमोट पे मूव का बटन ब्लिंक होगा तो आपको प्रेस करना है. टेबल मूव होने के बाद में जब रिमोट पे स्टार्ट का बटन ब्लिंक होगा तो आपको वो प्रेस करना है. अब रिमोट पे स्टार्ट का बटन ब्लिंक हो रहा है तो आपको प्रेस करना है. अब ये टोपोग्राम आ रहा है. तो एक टोपोग्राम आ चुका है, वापस से मूव करना है. मूव होने के बाद में वापस से स्टार्ट का बटन ब्लिंक होगा तो स्टार्ट करना है. उससे पहले मैं बैक जाके टोपोग्राम का थोड़ा सा रेजोल्यूशन हाई करना है मुझे, कि प्लानिंग के लिए थोड़ा अच्छे से
मुझे इमेज मिले, तो मैंने थोड़ा सा इसका केवी और एमएस इंक्रीज किया हूँ। ये आपको दो यहाँ पे टोपोग्राम शो हो रहा है, एक 90 और एक 0। 90 मीन्स लैटरल और 0 मीन्स एपी वाला टोपोग्राम है, तो कंफर्म करना है और स्टार्ट करना है। तो ये अब दूसरा टोपोग्राम आ रहा है जो एपी वाला है। टोपोग्राम आ चुका, उसके बाद में नेक्स्ट रिलीज करना है और उसके बाद अब हमें स्कैन के लिए प्लानिंग करना है। तो प्लानिंग ये जो आप देख सकते हैं, मैं शो करता हूं, ये जो है इलियक क्रस्ट, इलियक बोन, आपको इसके ऊपर से स्कैन कवर करना होता है बिकॉज डिसेंडिंग एओर्टा का बायफर्केशन यहां से स्टार्ट होता है। इसके बाद में डिसेंडिंग एओर्टा बायफर्केट होता है और एक राइट लिंब में जाता है और एक लेफ्ट लिंब में जाता है, तो आपको इलियक क्रस्ट के ऊपर से ही स्कैन कवर करना है। इस तरह से इलियक क्रस्ट के ऊपर से आपको स्कैन कवर करना है और पूरा फीट कवर करना है, मींस टू तक का फैलेंजेस आपको पूरे कवर करने होते हैं इसमें। इस तरह से नीचे तक पूरा प्लान कवर करना है और एफओवी सेट करना है दोनों साइड से। आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा एफओवी कवर नहीं करना है, जितना आपका एफओवी कम रहेगा उतना अच्छा और क्लियर स्कैन आएगा। तो प्लान सेट करने के बाद में कंफर्म करना है और मूव का बटन ब्लिंक होगा तो मूव का बटन प्रेस करना है। टेबल अभी मूव हो रहा है, टेबल मूव होने के बाद स्टार्ट का बटन ब्लिंक होगा तो स्टार्ट करना है, स्कैन स्टार्ट करना है। तो ये अब आप देख सकते हैं स्कैन स्टार्ट हो रहा है, स्कैन आ रहा है अभी, ये यहां से स्कैन स्टार्ट हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं ये इलियक बोन है, इलियक क्रस्ट है और इसके जस्ट इसके ऊपर ही ये डिसेंडिंग एओर्टा, जैसे ही हम थोड़ा नीचे आ रहे हैं इलियक बोन के पास में यहाँ पे बायफर्केट हो गया है, दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है डिसेंडिंग एओर्टा, तो हमें इसके ऊपर से ही स्कैन चाहिए होता है। तो ये स्कैन आ रहा है और पेशेंट को आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन है बहुत ज्यादा, तो आर्टेरियल फेज में हम ट्राई करेंगे कि इसके और ऊपर से हम स्कैन कवर करें। तो ये प्लेन स्कैन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो ये प्लेन स्कैन हो चुका है, पूरा फीट कवर हो चुका है। इसी तरह से हमें आर्टरियल और वेनस फेज में भी कवर करना होगा। वैसे नेक्स्ट रिस्क किया मैंने, अब इस पेशेंट का सिर्फ एंजियोग्राफी है, मींस आर्टरियल फेज ही हमें जरूरत होती है, बट हम दोनों का प्लान करेंगे, आर्टरियल और वेनस का दोनों का। तो हम आर्टेरियल और वेनस का दोनों का प्लान करेंगे कि अगर आर्टेरियल फेज में स्कैन मिस होता है, कॉन्ट्रास्ट मिस होता है, तो वो वेनस फेज में कवर कर लेगा। तो मैं अब आर्टेरियल फेज का प्लान कर रहा हूं, यहां पे आपको क्लिक करना है। तो ये अभी आर्टेरियल फेज का प्लान कर रहा हूं मैं, आर्टरियल फेज का प्लान हो गया। आर्टरियल फेज में फीट हेड टू फीट करूंगा, मींस क्रेनियो कॉर्डल अपना प्लान रहेगा, और वेनस फेज में फीट टू हेड मेरा स्कैनिंग का प्लान रहेगा, मींस कॉर्डो क्रेनियल स्कैन फीट से स्टार्ट होगा और हेड की तरफ में मूव होगा इस तरह से। बट आपने प्लेन स्कैन में देखा था वहां पे मल्टीपल कैल्सिफिकेशन था, तो आर्टरियल और वेनस फेज में दोनों में मैं ट्राई करूंगा और ऊपर से स्कैन कवर करने की। बट जो स्कैन का टेबल है उसका एक लिमिट होता है कि वो एक लिमिट तक का ही मूव हो सकता है, गैंट्री के अंदर जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो आपको कोशिश करना है जितना ज्यादा आपका प्लान कवर हो सकता है उतना ज्यादा आपको प्लान कवर करना है। ये होने के बाद में आप देख सकते हैं ये आर्टेरियल फेज का मेरा प्लान हो चुका है, हेड टू फीट ऊपर से स्टार्ट होगा और नीचे की तरफ में एंड होगा, और फिर वेनस फेज का स्कैन नीचे से स्टार्ट होगा और ऊपर की तरफ में एंड होगा। ये होने के बाद में
स्मार्ट ट्रिप सेट करना है और स्मार्ट ट्रिप वहां पे रखेंगे आप जहां से आपका आर्टेरियल फेज स्कैन स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहां देख सकते हैं मेरा आर्टेरियल फेज जो है S1228 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं स्मार्ट ट्रिप को सिलेक्ट करूंगा S1228। ये लोकेशन आपको यहां पे एंटर करना है। मॉनिटरिंग डिले आप 10 सेकंड रख सकते हैं और एनहांसमेंट थ्रेशोल्ड 100 रखना है, एक्सेप्ट और उसके बाद में कंफर्म करना है। कंफर्म करना है, कंटिन्यू करना है और मूव करना है, टेबल मूव करना है। तो जो हमने लोकेशन दिया है S1228, उस लोकेशन पे जाके एक इमेज कैप्चर करेगा जिसपे हम ट्रिगर सेट करने वाले हैं कॉन्ट्रास्ट देने के लिए। तो ये भी टेबल मूव हो रहा है और अब स्कैन के लिए रिमोट पे स्टार्ट का बटन ब्लिंक होगा तो आपको स्टार्ट करना है। तो इस तरह से यहाँ पे एक ट्रिगर इमेज आ चुका है जहां पे हमें ट्रिगर सेट करने वाले हैं कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट पहुंचते ही जो हमने सेट किया था HU 100 मीन्स इस लोकेशन पे कॉन्ट्रास्ट 100 HU का कॉन्ट्रास्ट आएगा तो स्कैन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। उसके लिए मैं यहां से मॉनिटर फेज करूंगा। मॉनिटर फेज आपको स्टार्ट करना है, ऑन करना है। मॉनिटर फेज ऑन करने के बाद में कॉन्ट्रास्ट आपको कॉन्ट्रास्ट और स्कैन का बटन दोनों आपको साथ में स्टार्ट करना होगा। तो अब मैं कॉन्ट्रास्ट देता हूं। तो रेडियोग्राफर्स मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं इस पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट देने वाला हूं 90 ml। पेशेंट का वेट 65 के अबोव है, 65-70 वेट है पेशेंट का। मैं 90 ml कॉन्ट्रास्ट दे रहा हूं बिकॉज मैं लोअर लिम एंजो कर रहा हूं और फ्लो रेट में 2.0 रख रहा हूं। फ्लो रेट यूजुअली ज्यादा होता है, 3 रहता है मिनिमम, बट मैं 2 का रखने वाला हूं बिकॉज मैं अभी जो स्कैन कर रहा हूं ये GE रेवोल्यूशन 32/ पे कर रहा हूं और ये सॉफ्टवेयर सीमेंस और फिलिप्स मशीन के कंपेयर में बहुत स्लो है। जो कि आप प्लेन स्कैन में देखे थे, सिर्फ प्लेन स्कैन कवर करने के लिए 65 सेकंड का टाइम लिया था मशीन ने। तो आर्टेरियल और वेनस फेज का भी प्लान प्लेन से भी ज्यादा है, मीन 70 सेकंड तक का एक स्कैन कवर करने के लिए टाइम है। अगर मैं फ्लो रेट ज्यादा रखता हूं तो कॉन्ट्रास्ट पास हो जाएगा और स्कैन पूरा कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने फ्लो रेट 2.0 रखा हूं। अगर आप किसी दूसरे मशीन पे करते हैं तो आपको आपके हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको कॉन्ट्रास्ट का फ्लो रेट सेट करना होगा, या आप आपके कलीग या आपके सीनियर से पूछ सकते हैं। अगर आप सेम मशीन पे कर रहे हैं तो आप सेम टेक्निक यूज कर सकते हैं। मैं फ्लो रेट 2.0 रखा हूं। अब मैं स्कैन स्टार्ट करता हूं तो आपको मॉनिटर फेज करना है, कंटिन्यू करना है और कॉन्ट्रास्ट देने से पहले आपको पेशेंट को इन्फॉर्म कर देना है कि अभी आपके हाथ से दवा जाएगा तो हल्का गर्म लगेगा बदन में। अभी मैं आपको दवा देने वाला हूं, आपके हाथ से दवा जाएगा, बदन में हल्का गर्म लगेगा, हाथ बिल्कुल नहीं खींचना और हिलना नहीं है आपको। तो स्टार्ट का बटन ब्लिंक होगा रिमोट पे, स्टार्ट का बटन और कॉन्ट्रास्ट आपको दोनों साथ में स्टार्ट करना है। आपके हाथ से दवा जा रहा है, बिल्कुल भी हाथ नहीं खींचना। तो जो हमने मॉनिटरिंग डिले 10 सेकंड रखा था, मींस ये 10 सेकंड के बाद में कॉन्ट्रास्ट देने के 10 सेकंड बाद में इमेज कैप्चर करना स्टार्ट करता है, मींस कॉन्ट्रास्ट आ रहा है पेशेंट के बॉडी में कि नहीं ये हमें शो करेगा। तो यहाँ पे हमने ट्रिगर रखा है, अगर कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे पहुंचता है और 100 HU का होगा तो स्कैन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कॉन्ट्रास्ट आ चुका है, कॉन्ट्रास्ट आ गया, स्कैन स्टार्ट हो गया। इन केस अगर कॉन्ट्रास्ट नहीं आता है तो हमें मैन्युअली स्टार्ट करना होता है। तो यह स्कैन स्टार्ट हो चुका है कॉन्ट्रास्ट पहुंचने के बाद में, ये स्कैन आ रहा है। यहाँ पे आपको मैं शो करता हूं, ये स्कैन आ रहा है अभी। यहाँ पे डिसेंडिंग एओर्टा बाइफर्केट हो चुका है, इलियक रीजन पे पहुंच के एक राइट लिम में जाएगा और एक लेफ्ट लिम में जाएगा। तो इसलिए स्कैन करते टाइम पे हमें इलियक क्रेस्ट के ऊपर ही रखना होता है स्टार्टिंग लोकेशन आर्टेरियल फेज का। आप देख सकते हैं कितना, 70 सेकंड का आर्टेरियल फेज था और 70 सेकंड का वेनस फेज भी है, इसलिए मैंने फ्लो रेट कम रखा था। अगर मैं फ्लो रेट ज्यादा रखता तो कॉन्ट्रास्ट जल्दी वॉश आउट हो गया होता और स्कैन पूरा कवर नहीं हो पाता, इसलिए मैंने फ्लो रेट कम रखा था। तो आप किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको फ्लो रेट सेट करना होगा। तो ये आर्टेरियल फेज एंड होने वाला है, ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा बाकी है।
तो ये आर्टेरियल फेज अब कंप्लीट हो चुका है, अब वेनस फेज स्टार्ट हो रहा है। तो वेनस फेज का डिले टाइम बहुत ज्यादा है, मैं पॉज करके बैक कंफर्म। मैं प्लानिंग करते टाइम पे आपको बताना भूल गया था, वेनस फेज का डिले टाइम आपको जीरो रखना है, मिनिमम 3 सेकंड से 5 सेकंड का वो टाइम लेगा, आपको जीरो सेट करना है। 3 से 5 सेकंड के अंदर में स्टार्ट होना चाहिए डिलेट स्कैन, मींस वेनस फेज। तो अब ये वेनस फेज स्टार्ट हो चुका है, अब वेनस फेज का स्कैन आ रहा है। डॉक्टर ने सिर्फ एंजियोग्राफी मांगा था, बट मैं आर्टेरियल और वेनस दोनों फेज लेने वाला हूं, इसलिए कि अगर आर्टेरियल फेज में कॉन्ट्रास्ट मिस होता है या कुछ गड़बड़ होती है तो वो वेनस फेज में कवर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको भी अगर एंजियोग्राफी मांगता है तो आपको दोनों लेना है, आर्टेरियल फेज और वेनस फेज दोनों आपको लेना होगा। तो ये भी वेनस फेज का स्कैन चालू है और ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। तो अब ये वेनस फेज भी आ चुका है, इसके बाद में आपको डिलेड स्कैन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंजियोग्राफी है तो आर्टेरियल फेज और वेनस फेज करके आप पेशेंट को बाहर निकाल सकते हैं मशीन से। तो ये आप देख सकते हैं स्कैन हमारा पूरा हो चुका है, मैं आपको नेक्स्ट सीरीज करके शो कर देता हूं। अब ये हम एग्जाम आरएक्स में थे, हम इमेज बॉक्स में आएंगे तो पेशेंट का पूरा डिटेल शो होगा। यहां मैंने पेशेंट का नाम सिलेक्ट किया, तो यहां पे एक आर्टेरियल फेज सॉरी टोपोग्राम, फिर प्लेन स्कैन, फिर आर्टेरियल थिन और वेनस स्कैन, फिर वेनस का थिन रिकॉर्ड बन रहा है अभी। ये आप देख सकते हैं वेनस का थिन रिकॉर्ड अभी बन रहा है। तो इसी तरह से आपको सिर्फ 3 सीक्वेंस लेने हैं, एक प्लेन लेना है, एक आर्टेरियल लेना है और एक वेनस फेज लेना है। इसके बाद में आपको पेशेंट को आउट करना है, मैं एग्जाम आरएक्स में आऊंगा, एंड एग्जाम करना है और पेशेंट को आउट कर देना है। मैं आपको एक बार आर्टेरियल फेज शो करता हूं कि हमारा स्कैन कैसे आया है। तो आर्टेरियल फेज को सिलेक्ट करना है और इसे वॉल्यूम व्यूवर में अपलोड करना है। तो हमारा रीफॉर्मेट में ऑलरेडी कोई स्कैन है, तो ये रीफॉर्मेट को क्लोज करने का ऑप्शन दे रहा है, इसे हम क्लोज करेंगे और आर्टेरियल फेज को वॉल्यूम व्यूवर में हमने अपलोड कर दिया है। तो ये वॉल्यूम व्यूवर में अपलोड हो रहा है, आर्टेरियल फेज को वॉल्यूम व्यूवर में अपलोड करने के बाद में यहाँ लोअर लिम के सेक्शन में ऑटोबोन एक्सप्रेस रन ऑफ ये ऑप्शन है, आपको ये सिलेक्ट करना है। तो ये सिलेक्ट करने पे हमें ऑटोबोन रिमूव करके देगा। तो ये अभी प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, तो आप ये देख सकते हैं बोन रिमूव हो चुका है और हमारा आर्टेरियल फेज एंजियोग्राफी बहुत अच्छा आया है। ये बोन के साथ में यहां से आर्टरी भी रिमूव कर दिया है, तो हम इसे मैन्युअली ट्रेस कर लेंगे फिल्मिंग करते समय। आप ये देख सकते हैं बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा स्कैन आया है। ये इस तरह से हमारा एंजियोग्राफी कंप्लीट हो चुका है, बस हमें हल्का सा ट्रेस करने की जरूरत है और आगे पोस्ट प्रोसेसिंग करने की जरूरत है। तो ये था एंजियोग्राफी का स्कैनिंग प्रोसेस। सो रेडियोग्राफर्स, this was the complete scanning process of CT lower limb angiography. Hopefully video आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको video अच्छा लगे तो video को like कीजिए और अपने दोस्तों में share कीजिए। और इसी तरह से आपको CT scan के regarding किसी और topic पे video चाहिए तो आप मुझे comment box में comment करके suggest कर सकते हैं, मैं उस पर video बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। Thank you so much for watching.